नक्सलियों ने गरियाबंद जिले के धुरवा गुड़ी बुडगेल टप्पा के बीच नेशनल हाईवे 130 सी को पेड़ गिराकर जाम कर दिया है। रात के करीब 2 बजे नक्सलियों ने पेड़ काटकर रोड पर फेंक दिया, साथ ही बैनर पोस्टर भी लगाए। मामले की जानकारी के बाद घटनास्थल पर पुलिस टीम रवाना हो गई है। बालोद जिले के डौंडी थाना क्षेत्र के मनकुवर चौक के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें तेज एक रफ्तार कार खड़ी ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में सीआरपीएफ जवान के 10 साल के मासूम की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। राजधानी के नया रायपुर के राखी थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश मिली है। युवक की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है। रायपुर पुलिस को युवक के पास से एक प्रेस कार्ड भी मिला है। पुलिस के मुताबिक मरने वाला युवक एक स्थानीय समाचार एजेंसी में पत्रकार था। कोरबा में कोयला चोरी होने के वायरल वीडियो ने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। यही कारण है कि जांच शुरू होने से पहले ही अब SECL से लेकर CISF और SP भी हरकत में आ गए हैं। कोरबा SP ने दीपिका थाना प्रभारी और हरदी बाजार के चौकी प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया है। रायगढ़ जिले सारंगढ़ में अग्रसेन राइस मिल में काम करने गए मजदूर छोटेलाल कर्ज की ऊपर इनोवा कार चढ़ने से हुई मौत के मामले में सारंगढ़ पुलिस ने आरोपी ड्राइवर ओम प्रकाश पटेल निवासी मानिकपुर को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा जिले के कलेक्टर रानू साहू ने SECL क्षेत्र गेवरा और दीपका के कोयला खदानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर साहू ने पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल की मौजूदगी में SECL और CISF के अधिकारियों से खदानों में होने वाली अवैध कोयला चोरी और अवैध प्रवेश निकास द्वारों के बारे में जानकारियां भी ली। कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र में उर्गा के हाटी सड़क मार्ग पर हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को कोरबा के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरीहा भाटा गांव में रहने वाले 2 युवक कामकाज की तलाश के लिए सुबह बाइक पर सवार होकर निकले थे, लेकिन मुख्य मार्ग पर इन्हें छोटा हाथी ने टक्कर मार दी। कोरबा जिले की रामपुर चौक की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ITI कॉलोनी रामपुर में मोटरसाइकिल में पिस्टल लेकर घूम रहे आरोपी आलोक बड़ा को एक पिस्टल एवं 4 नग जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पिंडा थाना क्षेत्र के कोटमी चौकी इलाके में सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने पिंडा कोटमी से मरवाही जाने वाले सड़क पर चक्का जाम कर दिया और शव को सड़क से उठाने नहीं दिया। घटना की सूचना पर जब SDM और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, तब जाकर 2 घंटे बाद चक्का जाम हटाया गया। बिलासपुर के तखतपुर थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों ने मिलकर एक वृद्ध महिला से 1500 रुपए और गहने ठग लिए। दरअसल वृद्ध महिला इलाज कराने अस्पताल गई थी, लौटते समय वह पेड़ की छांव में बैठी थी। तभी बाइक सवार 2 लोग आए और उन्हें उसकी पति की मौत के बाद 2.5 लाख रुपए मिलने का झांसा दिया और उसे ठगी कर भाग निकले। बिलासपुर करगी रोड रेलवे स्टेशन पर लौटते समय खाली गुड्स ट्रेन का दरवाजा बंद नहीं करने से रेलवे स्टेशन से लगे पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के स्लीपर लोडिंग करने वाले क्रेन से टकरा गया, जिससे 2 क्रेन क्षतिग्रस्त हो गए और स्लीपर रेलवे ट्रैक पर गिर गया, जिससे मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल की अवैध खरीद फरोख्त करते पाए जाने पर सूरजपुर जिले के खाद्य निरीक्षक एवं टीम के द्वारा केनापारा ग्राम पंचायत तेलाई कछार से मिनी ट्रक वाहन से 40 बोरा चावल जब्त किया गया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित सुलभ शौचालय के पास ग्राहक का इंतजार कर रहे ओडिशा के संबलपुर जिला अंतर्गत बड़माल निवासी सुमन कालू नामक किन्नर को तोरवा पुलिस ने पकड़कर 4 किलो गांजा बरामद किया है।
बिलासपुर की सिरगिट्टी पुलिस को साईं विहार कॉलोनी तिफरा में संदिग्ध अवस्था में तीन लोग रॉड पकड़े हुए मिले हैं, जिसे घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया, जो अपना अपना नाम ओम प्रकाश लोनिया, शुभम लोनिया एवं खेम सिंह लोनिया बता रहे हैं। संदिग्धों से कड़ी पूछताछ कर चोरी का मोबाइल, लैपटॉप और सोने चांदी के जेवरात को जब्त किया गया है। बैकुंठपुर कलेक्ट्रेट के नाजराज शाखा के बैंक अकाउंट का क्लोन चेक कर 1,29,00,000 की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर बैंक प्रबंधन की ओर से कलेक्ट्रेट के खाते में पूरी रकम वापस कर दी गई है। जाते 6 आरोपियों को पकड़कर इनके पास से लगभग 10 क्विंटल गांजा जब्त किया है। गांजा को सही सलामत मध्य प्रदेश तक पहुंचाने के लिए आगे चल रहे कार को भी एनसीबी अधिकारियों ने पकड़ा है। राजनांदगांव जिले में छुरिया ब्लॉक के दीवान टोला में वन विभाग की टीम ने इमारती लकड़ियों से भरे ट्रैक्टर को पकड़ा है, जिसमें करीब 30,000 रुपए की लकड़ियां भरी हुई थी। इमारती लकड़ियों के अवैध परिवहन की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने कार्रवाई कर ट्रैक्टर को पकड़ा और छुरिया वन डिपो लाया। बालोद जिले की गुंडरदेही थाना क्षेत्र में एक ही जमीन को दो व्यक्ति से सौदा कर लगभग 13,91,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक ही परिवार की महिला सहित 3 आरोपियों को गुंडरदेही पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। धमतरी जिले के ग्राम नारी, चारभाटा और भोथा के ग्रामीणों ने कुरुद थाना पहुंचकर सिलसिला रेत खदान के संबंध में पूर्व में सौंपे गए आवेदन पर कार्रवाई की मांग करते हुए थाने का घेराव कर दिया। प्रभारी थानेदार की समझाइश और कार्रवाई का भरोसा दिलाने पर ग्रामीण वापस लौटे। महासमुंद जिले में ग्राम चनाट के बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। मामले में सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से 3 आरोपी ग्राम ढूटी टोना सरायपाली और 1 आरोपी ग्राम मधुबन भवरपुर बसना का बताया गया है। महासमुंद जिले के मुड़ा गांव स्थित एक घर में एक संस्था द्वारा आश्रम संचालन की आड़ में मतांतरण की शिकायत सामने आई है। शिकायत पर पहुंची झोंक थाना पुलिस ने आश्रम में मौजूद 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर आश्रम को सील कर दिया है। जांजगीर जिले के बमनीडीह के मुख्य मार्ग में 13 मई को हुई सड़क दुर्घटना में मृतक के स्वजन को मुआवजा देने की मांग को लेकर कुछ लोगों के द्वारा चक्का जाम कर दिया गया था। मामले में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांजगीर जिले के खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा लगातार विभिन्न क्षेत्रों में खनिज रेत, चूना पत्थर, गिट्टी, मुरम, मिट्टी, ईंट का अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते ही वाहन जब्त किए गए हैं। खनिज विभाग द्वारा 4 दिनों में कुल 20 वाहनों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें एक चैन माउंटेड मशीन को भी सील कर दिया गया है। जशपुर जिले की कुनकुरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ओडिशा से गांजा लेकर बाइक से आ रहे युवक बाबूलाल सोरेन को जयस्तंभ चौक के चेकिंग के दौरान पकड़कर बाइक की डिक्की से 5 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत 50,000 रुपए आंकी गई है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में ग्राम झांका दहरा निवासी पिता पुत्र वेल्डिंग काम कर लौट रहे थे। इस दौरान पुत्र कुलदीप ने अपने पिता से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पिता द्वारा इनकार करने पर पुत्र ने मारपीट कर अपने पास रखे हथियार से पिता पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पाटन थाना क्षेत्र के ग्राम लोहरसी रवेली के आंवला वन में एक 25 वर्षीय युवक की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है।
पुलिस को स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क किनारे युवक अधमरा पड़ा हुआ है। पुलिस जब उसे अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पाटन थाना प्रभारी राधेश्याम जूरी ने बताया कि युवक की मौत हुई है, अस्पताल पहुँचाया गया था, वही शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में अचानक आग लग गई, जिसके चलते अस्पताल में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से मेकाहारा के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में अचानक आग लगी। ये घटना एक्सरे मशीन के जलने की वजह से घटी। बिलासपुर के तखतपुर स्थित मोठ मोड़ के पास शुक्रवार की रात 11 बजे तेज रफ्तार हाईवा ने मालवाहक ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार पूर्व सांसद लखनलाल साहू के भतीजे समेत चार लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद चालक हाईवा छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। महासमुंद जिले में उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की आपूर्ति में अनियमितता की शिकायत पर कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर के निर्देश पर खाद्य विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक ने सरायपाली की मेसर्स अशोक एचपी गैस एजेंसी की जांच कर भारी मात्रा में घरेलू व्यवसायिक व छोटे वाले गैस सिलेंडर खाली व भरे हुए लगभग 983 सिलेंडरों को जब्त किया है।